मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बढ़ती महंगाई के इस संकट काल में किसानों के खाते में मात्र 2,000 रुपए डालकर ये इसे किसानों का सम्मान और किसानों का कल्याण बता रहे हैं। वास्तव में किसानों का कल्याण व सम्मान करना हो तो हमारी सरकार की तरह उनके कर्ज माफ करो, उन्हें कर्ज से दलदल से निकालो, खेती को लाभ का धंधा बनाओ। प्रदेश में पिछले 28 उपचुनाव के समय भी इसी तरह किसानों के खाते में सम्मान निधि की किस्त डाली थी और चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश के लाखों किसानों को कुपात्र बताकर उन्हें वसूली के नोटिस थमा दिए। अधिकारी उन किसानों को रोज धमका रहे हैं, बेचारे किसान कर्ज लेकर जेवर गिरवी रखकर यह राशि वापस लौटा रहे हैं। अब प्रदेश में उपचुनाव को देखकर शिवराज सरकार फिर राशि डाल रही है। चुनाव होने के पश्चात पता नहीं कितने किसानों को अपात्र बताकर उन्हें भी वसूली के नोटिस भेज दिए जाएंगे। वास्तव में किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बन चुकी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के किसानों को 6,000 रुपए दिया जाता है। यह 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके दिए जाते हैं। हर साल पहला किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में और दूसरा किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में और तीसरा किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में दिया जाता है। एक बार जैसे ही किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आप पंजीयन कराता है तब 2,000 रुपए सीधे किसान के खाते में भेज दिए जाते हैं। अब तक 9 करोड़ किसानों के खातों में 1,15,00,000 तब 2,000 रुपए सीधे किसान के खाते में भेज दिए जाते हैं। अब तक 9 करोड़ किसानों के खाते में 1,15,00,000 रुपए से ज्यादा भेजे जा चुके हैं।